सिर पर तिल होने का मतलब। जानिए सिर पर तिल होने का क्या मतलब होता है। पुरुषों व स्त्रियों के सिर के दाएं और बाएं हिस्से पर तिल होने का मतलब क्या होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तिल होने का अलग अलग मतलब होता है। लेकिन यदि जिन जातकों के सिर पर तिल होता है उन जातकों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सिर पर तिल होने का मतलब किसी भी जातक के सौभाग्यशाली होने से लगाया जाता है। जिन जातकों के सिर पर तिल होता है वह जातक कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी से नहीं जूझते हैं। सिर पर तिल होना ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन जातकों के सिर पर तिल होता है उनको अन्य जातकों की तुलना में शारीरिक कष्ट कम उत्पन्न होता है। सामुद्रिक शास्त्र के एक अध्याय में सिर पर तिल होने का विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया है कि जिन जातकों के सिर पर तिल होता है वे जातक स्वभाव में से शालीन तथा बुद्धि से तेज होते हैं। पुरुषों व स्त्रियों के सिर के दाएं और बाएं हिस्से पर तिल होने का मतलब पुरुषों के सिर के दाएं हिस्से पर तिल होने का मतलब उस पुरुष को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही वास्तुशास्त्र में जिन पुरुषों के सिर के दाएं हिस्से पर तिल होता है उन पुरुषों को भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे पुरुषों को का विवाह शीघ्र होता है और इनको दाम्पत्य जीवन में भी अपार प्रेम मिलता है। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब